बेटा वन एटी टू में बोल रहा है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, मीजो का मीनिंग क्या बेटा, मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल कंपनसेशन? तो मस्ट हैव आइदर प्योर सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, आइदर पीओएस और सीओएस, एंड मस्ट हैव एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, टू टू कायरल सेंटर. यहां देखो ए मिथाइल है बट ए ग्रुप सेम है तो कायरल सेंटर नहीं है. यहां भी बेटा ए मिथाइल है, ए ग्रुप सेम है तो कायरल सेंटर नहीं है, नहीं होगा बेटा. ये मिथाइल है, देखो ए ग्रुप अलग है और ए ग्रुप अलग है क्योंकि यहाँ पे अर्ली ब्रांचिंग है, यहाँ पे अर्ली ब्रांचिंग नहीं है, तो क्या हो गया, एक कायरल सेंटर. सिमिलरली दिस इज कायरल सेंटर एंड इट हैज प्लेनर सिमेट्री, ऐसे इसमें प्लेनर सिमेट्री मिल सकता है, देयरफॉर ए मीजो हो जाएगा. तो बी इज द राइट आंसर. एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है बट सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री नहीं है तो कभी भी यहाँ पे प्लेनर सिमेट्री या सेंटर सिमेट्री नहीं मिल सकता है, दैट्स व्हाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है. यहाँ पे तो कायरल सेंटर ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए बट बिकॉज ऑफ, बोलो, इंटरनल कंपनसेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, दैट्स व्हाई बेटा 82 इसका आंसर बी होगा बेटा. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. 85, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एक्सियल सिमेट्री एंड कोएक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री? को एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा है एंड एक्सियल सिमेट्री की बात कर रहा है बेटा. तो एक्सियल सिमेट्री, विच इज एक्सियल सिमेट्री बेटा, देखो ना ये ऐसे एक्सिस ले जाओ, इसके बाद मिल रहा है कि नहीं, 180 डिग्री, 180 डिग्री. अब बोल रहा है बेटा जो एक्सियल सिमेट्री होगा उसी एक्सिस के बाद, व्हाट इज मीनिंग ऑफ को एक्सियल, ये देखो वर्ड कोएक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या मीनिंग है इसका, जिसके अबाउट एक्सियल सिमेट्री मिल रहा है उसी एक्सिस के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री. बेटा यही एक्सियल सिमेट्री है, सी टू है, और यही बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है. देखो ना एच के सामने एच आ गया, तो ए इज द आंसर. बी, यहां भी देखो बेटा ए एक्सियल सिमेट्री है, ए एक्सियल सिमेट्री है और यही बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सी टू है यही और यही पीओएस भी है, मतलब बी भी आंसर हो गया. यहां देखो बेटा सी, यस ये देख रहे हो, यही बेटा एक्सियल सिमेट्री है और यही बेटा इट इज सी टू एज वेल एज पीओएस, दोनों है बेटा, तो सी भी आंसर हो गया. डी, ये देखो बेटा ऐसे लाइन पास करो बीचों बीच से, तो ये बेटा सी टू भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो डी भी हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई. तो कोएक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सियल सिमेट्री है दैट शुड बी ऑल्सो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री. गॉट इट? द आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186. नंबर ऑफ डाइस्टोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड, नंबर ऑफ डाइस्टोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड, कितने डाइस्टोमर्स है बेटा, कितने कायरल सेंटर देख रहे हो, वन टू थ्री, थ्री है ना यार. डाइस्टोमर का मतलब क्या है, इसके जितने भी कंपाउंड बनेंगे जिसमें जो अब क्या होगा मिरर इमेज नहीं हो, ऑल विल बी डाइस्टोमर्स, जो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, जो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, डाइस्टोमर्स होंगे. तो टोटल कितने बन रहे हैं पहले तो देखो, कितने दे बन रहे हैं बेटा, सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है, ऑड नंबर है, स्यूडो बनेगा, तो बेटा एन के वैल्यू 3 है और स्यूडो है, दिस इज स्यूडो कायरल सेंटर, तो टोटल बनेंगे 2 के पावर n-1, दैट इज 2 के पावर 3-1, दैट इज 2 के पावर 2, 4 बनेंगे, 4 बनेगा बेटा, टोटल 4 बनेगा, और जो डिफरेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड डाइस्टोमर्स. ध्यान रखना डाइस्टोमर्स और डाइस्टोमर्स पेयर बोथ आर डिफरेंट थिंग. तो डाइस्टोमर्स पेयर मतलब कितने पेयर बना सकते हो, और डाइस्टोमर्स मतलब डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड सेम नहीं होना चाहिए. बट जो फोर बनेगा इसमें क्या होगा, इस फोर में दो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद करो पढ़ाया होगा आपको. इसमें क्या होता है, टू टू ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मीजो, तो ये दोनों तो डाइस्टोमर्स होगा ही, ये जो दो ऑप्टिकली एक्टिव होगा आपको पढ़ाया हूं
जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और बेटा अगर ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो पेयर में होगा तो दोनों को दो डिफरेंट काउंट नहीं करना है, वन काउंट करना है। जैसे ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक और होगा बेटा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, और दो होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक्टिव वाला बेटा पेयर में होगा तो यहाँ पे दो नहीं काउंट करना है, सिर्फ वन काउंट करना है। तो वन यहां से हो गया और टू वहां से हो गया, तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। तो आंसर इज बी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 186 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जी एडवांस पूछता है, ठीक है, जे मेंस भी। तो नंबर ऑफ डायस्टेरोमर्स इन गिवन कंपाउंड मतलब पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मतलब कौन सा डिफरेंट, ऑप्टिकली डिफरेंट। इसमें बेटा इनैंसियोमर्स पेयर को काउंट मत करना, इनैंसियोमर्स पेयर को काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, इनैंसियोमर्स पेयर को काउंट नहीं करना है बस। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट 187। विच ऑफ द स्ट्रक्चर आर डायस्ट्यूमर्स ऑफ ए, बेटा इसका डायस्ट्यूमर्स बोल रहा है, देख रहे हो, तो डायस्ट्यूमर्स मतलब इसका मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, इसका मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। तो दो टेक्निक है इसका, आइदर आरएस निकाल लो, ठीक है, और उसका अपोजिट कन्फ्यूजन लिख लो, या मिरर इमेज देख लो, ठीक है ना। तो मैं आरएस से कर देता हूं बेटा, ये देखो इसका आरएस क्या होगा, ए डैस पे है तो इसके वेज पे एच होगा, वेज पे एच होगा तो क्या होगा, दिस इट हैज वन, इट हैज टू, इट हैज थ्री, क्या आ रहा है, वन टू थ्री, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इट शुड बी आर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज शुड बी एस बट होगा आर, तो यहां पे आर आ गया। एक कारल सेंटर, देखो एक कारल सेंटर है ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो कारल सेंटर नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना बेटा, सिर्फ कारल सेंटर में सोचना है। एक कारल सेंटर है क्या, यस, यहाँ डैश पे एच है तो यहाँ पे ए आपका वन होगा, ए टू होगा और ए थ्री होगा, तो वन टू थ्री क्या आ रहा है बेटा, वन टू थ्री क्लॉकवाइज, और सिंस एच डैश पे है तो जो आएगा वही होगा, तो आर यहाँ क्या होगा बेटा, ए वन, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया था, ये देखो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूं, तो ये तो क्लियर बेटा, दिस इज वन, क्यू वन बेटा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, और ये थ्री है और ये फोर है, तो वन टू थ्री आ रहा है क्लॉकवाइज, आ रहा है क्लॉकवाइज बेटा, यस यस बिल्कुल सही तने बेटा, तुम बिल्कुल सही हो, इसीलिए मुझे ध्यान गया, अभी मैं भी चेंज कर रहा हूँ उसको, मैंने गलती नमन गलती किया था, यहाँ पे बेटा एच है, एच वेज पे है, एच को भूल जाओ, दिस इज वन और दिस इज टू, दिस इज थ्री, मिथाइल इज थ्री, तो वन टू थ्री क्या आ रहा है आर, बट हो जाएगा एस क्योंकि एच वेज पे है तो ए एस है, तो ऑक्सीजन वाले बगल वाले पे एस आना चाहिए और दूसरे पे आर है, तो बेटा अगर ए एस आर है तो डायस्ट्यूमर्स होने के लिए यहां पे आर एस नहीं होना चाहिए, बस आर एस छोड़ के कुछ भी हो जाए, आर एस नहीं होना चाहिए और एस आर नहीं होना चाहिए। अगर देखो आर एस हो गया तो इनैंसियोमर्स पेयर, एस आर हो गया तो आइडेंटिकल, ए दोनों नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो बोलोगे डायस्ट्यूमर्स, बस ध्यान रखना आर एस नहीं होना चाहिए नहीं तो मिरर इमेज हो जाएगा, एस आर नहीं होना चाहिए नहीं तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अब देख लो ऑक्सीजन के बाजू में कौन जुड़ा हुआ है, ये देखो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, और यहां डैश पे हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया बेटा, वन टू थ्री क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और डैश पे हाइड्रोजन जो आएगा वही हो जाएगा, तो दिस इज एस, ये देखो बेटा यहाँ डैश पे हाइड्रोजन है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना इसके बारे में, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वन टू थ्री क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज और डैश पे हाइड्रोजन है तो एस, देख रहे हो दोनों एस एस, यस ये डायस्टेरोमर्स हो गया, और ए हो गया तो आंसर तो इसका ये निकाल सकते हो, कैसे, किसी में ए नहीं है सिर्फ बी में है, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, तो ऐसे भी आंसर निकाल एलिमिनेट, जे एडवांस में क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हैं एक आंसर आ गया तो, बट सिंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो सब देखेंगे बेटा। यहां देखो बेटा यहां क्या बेटा, दिस इज वन,
दिस इज टू, दिस इज थ्री, और डैश पे हाइड्रोजन है, तो वन टू थ्री आ रहा है आर, तो होगा आर ही, क्योंकि बेटा डैश पे हाइड्रोजन है, यहां देखो वेज पे हाइड्रोजन है, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वन टू थ्री आ रहा है आर, बट क्या हो जाएगा, आ रहा है आर बट हो जाएगा बेटा एस, उल्टा हो जाएगा ना यार, ठीक है, तो क्या आ रहा है एस आर, तो बेटा एस आर आ गया, देख रहे हो क्या बोला था आपको, क्या नहीं होना चाहिए, एस आर नहीं, ये देखो ये तो ए है ना यार, ऊपर वाला, ये ऊपर वाले का एस आर है, तो आर एस नहीं होना चाहिए, आर एस आया ना यार, यहां क्या आया, आर एस आया बेटा, यहां से देखोगे ना पहले वाले को बेटा, तो ए बेटा एस आर था, आर एस नहीं आना चाहिए, तो आर एस आ गया ना यार, मतलब ए हो गया इनैंसियोमर स्फीयर, तो ये काउंट नहीं कर पाए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दिस इज, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, क्या आ गया वन टू थ्री, और डैश पे हाइड्रोजन है, तो जो आएगा वही लिखेंगे बेटा, तो एस हो गया ये, और ए क्या हो गया, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वन टू थ्री जो आएगा उसका उल्टा करेंगे तो आर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया एस आर, देख रहे हो एस आर, तो बेटा एस आर आ गया, तो क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया ना यार, ये हो गया आइडेंटिकल, तो ये भी नहीं होगा। फोर, ये देखो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वन टू थ्री क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इट शुड बी आर बट हो जाएगा एस, उल्टा हो जाएगा, ये देखो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ये आ रहा है आर बट हो जाएगा एस, देख रहे हैं उल्टा हो जाएगा, तो दोनों एस एस, यस बिल्कुल हो जाएगा। फोर, फाइव देखो बेटा, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वन टू थ्री क्या आ रहा है बेटा, आ रहा है एस बट हो जाएगा आर, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वन टू थ्री जो आएगा वही होगा, तो एस हो गया, तो आर एस बेटा, आर एस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, इनैंसियोमर स्फीयर हो गया, नहीं हो सकता है, तो आंसर इज बी। तो बेटा आर एस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कर सकते हो, या मिरर इमेज भी कर सकते हो देखकर कि ये मिरर इमेज है और ये नहीं है, क्लियर, थोड़ा रोटेट करके थोड़ा घुमा कर देख सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, मैंने आर एस से किया बिकॉज आर एस सिखाया हूँ आपको, थोड़ा आर एस थोड़ा टाइम टेकन है, स्मार्ट बनोगे तो आर एस की जरूरत नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, हाउ मेनी इन ऑल फॉर्म इज पॉसिबल फ्रॉम दिस इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो को इंक्लूड करना है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कर सकते हो, ये देखो बेटा यार यही तो बन सकता है यार, एक यहां बन सकता है और एक यहां बन सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है भाई, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है तो यहां से बनाओगे तो क्या बनेगा, ये देखो ए हाइड्रोजन देगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो बना लो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच, देख रहे हो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया कि नहीं, क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया कि नहीं, तो कितना बनेगा इसका, दो यहां से बनेंगे, ठीक है, फिर बेटा अगर यहां से गया तो ये ऐसे आ गया बेटा, तो यहां से क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री, अब बेटा ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, यहां से भी दो, ए देखो ए और ए दोनों कहीं सेम तो नहीं है, एक तरफ तीन मिथाइल और उसके बाजू में ओ एच, एक तरफ दो मिथाइल के बाजू में ओ एच, बट अब सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो दो यहां से आंसर क्या हो जाएगा फोर, तो एक्चुअली में देखा जाए तो टू है, बट अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स काउंट कर लोगे तो आंसर विल बी फोर, आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट 190, फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्टीरियो सेंटर्स दैट आर प्रेजेंट बिलो इन कंपाउंड, ऑल द स्टीरियो सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर एज वेल एज ऑप्टिकल सेंटर, ये देखो दिस इज कायरल सेंटर, ये देखो दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक कायरल सेंटर है ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है, यहां देखो दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये देखो दिस इज कायरल सेंटर, बस ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है बेटा, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक ग्रुप सेम हो गया, ये देखो दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, ठीक है बेटा, तो कितना हो गया बेटा
टू वन थ्री टू, तो फाइव और थ्री एट, आंसर विल बी एट आंसर। ज्योमेटिकल और ऑप्टिकल सारे चेक करने थे, तो यहाँ पे हो गए कुछ ज्योमेटिकल हो गए कुछ ऑप्टिकल हो गए, ये पढ़ाया गया बट आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, ए पेयर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स माइट बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पेयर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। देख रहे हो स्टीरियोइसोमर्स की बात कर रहा है सर। 192 आंसर इज गिवन 10। ओ चलो देख लेते बेटा आंसर 10 है, क्या प्रॉब्लम बेटा 10 क्यों दिया है, क्रॉस चेक करो कोई आंसर जो है 10 है क्या। यस 10 क्यों दिया है, यस देखो हम लोगों ने ये किया था, हम लोगों ने ये किया था। और भी कोई सेंटर दिख रहा है क्या, काइरल ज्योमेट्रिकल, काइरल ज्योमेट्रिकल, काइरल ज्योमेट्रिकल, यस बेटा सर ज्योमेट्रिकल सेंटर को एज ए टू सेंटर लिया है। नहीं 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 बेटा, जब ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर दोनों सेम हो एट दैट टाइम हम उसको बेटा क्या लेते हैं, दो बार काउंट करते हैं, ऐसे नहीं काउंट कर सकते, ऐसे नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्टीरियो सेंटर दैट आर प्रेजेंट इन द बिलो कंपाउंड। अब एक सेंटर को, अब मुझे तो एक ही लग रहा है जो तन्ने बोल रहा है वही बात, कि लगता है एक को दो बार काउंट किया है यहाँ पे, बट ऐसे नहीं काउंट करना चाहिए, ये गलत है, नहीं काउंट कर सकते ऐसे। यहाँ पे ये बेटा एक ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, देखो ऑप्टिकल सेंटर तो है, साथ में ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, और साथ में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो दो बार ज्योमेट्रिकल सेंटर आ रहा है। बट ऑलरेडी बेटा जब बताया था आपको कि बेटा ऑलरेडी जब ज्योमेट्रिकल सब सेंटर ऑप्टिकल सेंटर दोनों हो, तो उसमें जब हम स्टीरियो सेंटर निकालते हैं तो कोई एक काउंट करते हैं, तो बताया था आपको ऑप्टिकल सेंटर से काउंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट नहीं करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्टीरियो सेंटर दैट आर प्रेजेंट बिलो इन कंपाउंड। तो बेटा जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो तो उसमें से एक ही काउंट करते हैं, दोनों काउंट नहीं करते, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो तो सिर्फ एक काउंट करना चाहिए, दोनों काउंट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही को दो बार काउंट नहीं कर सकते। और मुझे कोई सेंटर दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5, पहले उसमें तीन नहीं होगा, पहले में तीन, हाँ कैसे, कौन कौन सा बेटा, फर्स्ट में तीन कैसे सर, एक काइरल सेंटर तो है और वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट भी दो काइरल सेंटर है ना बेटा, एक कायरल सेंटर है और दूसरा कौन सा कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है हाँ, और उसके बाजू में बेटा कायरल सेंटर होने के लिए चार डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है, कायरल सेंटर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3 और चार डिफरेंट ग्रुप वहां पे है क्या बताओ, नहीं है ना बेटा, सेंटर पे मस्ट हैव फोर डिफरेंट ग्रुप्स एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यही तो डेफिनेशन है, क्लियर ना। तो मुझे दिख रहा है बेटा 1 2 3 4 5 6
सेवन और एट, बस आठ ही दिख रहा है मुझे, और कुछ दिख रहे नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ऐसा अगर इसको दो बार काउंट कर ले, दो बार काउंट कर ले तो 10 पॉसिबल है, बट नहीं होगा बेटा, 80 आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर आंसर शुड बी 8, 8 आंसर होगा, 10 आंसर नहीं होगा बेटा। गॉट इट? इसका आंसर 8 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 हो गया, 191 देख लो बेटा, 190। सो द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एज स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पेयर ऑफ हिस्ट्री आइसोमर्स, पेयर ऑफ हिस्ट्री आइसोमर्स। तो हिस्ट्री आइसोमर्स के लिए क्या दे बेटा, कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। तो देखो, दे माइट बी कंफिगुरेशनल आइसोमर्स, कंफिगुरेशनल यही तो है हिस्ट्री आइसोमर्स, दिक्कत क्या है इसमें। दे माइट बी डाइस्टोमर्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हिस्ट्री आइसोमर्स भी तो होता है डाइस्टोमर्स। दे माइट बी कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं बेटा, अगर स्टीरियो आइसोमर्स है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल, ये नहीं हो सकता है। दे माइट बी टॉटोमर्स, ये भी नहीं हो सकता है बेटा। दे माइट बी कन्फॉर्मेशनल, यस ये पॉसिबल है। दे माइट बी एंजियोमर्स, यस पॉसिबल है। दे माइट बी पोजिशनल, ये नहीं हो सकता है, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स है तो स्ट्रक्चरल नहीं हो सकता यार, सिंपल से बन रहा है। तो ए बी ई एफ जी, क्या हो गया आंसर इसमें, कुछ मैच किया ही नहीं। बी डी नहीं है, ए बी एफ, यस सी पॉसिबल है, सी इज द राइट आंसर। चेक करो आंसर क्या, सी है क्या, 191, यस ठीक है, चलो गुड। तो कैसे करते समझ आ गया ना बेटा, हिस्ट्री आइसोमर्स बोल रहा है बेटा दैट मस्ट बी, मस्ट नॉट बी, बोलो व्हाट, स्ट्रक्चरल नहीं होना चाहिए, तो सिंपल था, नॉट टफ। 194, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, यार कितना मेहनत करवाया था मैच में आपके ड्यूटेरियम एक्सचेंज के लिए, क्या होना चाहिए अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज की बात कर रहे हो तो। अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहां पे एक्सचेंज हो जाएगा ये वाला बेटा, और जब यहां निगेटिव आएगा रेजोनेंस होगा तो यहां निगेटिव आएगा कि नहीं, यहां निगेटिव आएगा कि नहीं, तो बेटा यहां वाले हाइड्रोजन भी एक्सचेंज हो जाते हैं। टेक्निक सिखाया था वो क्लास में कि बेटा अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही साथ में, डबल बॉन्डेड कार्बन भी हो सकता है। देखो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे आंसर होगा 0, एक्सचेंज नहीं होगा। बट अगर ऐसा हो जाए CH3, टेक्निक सिखाया था आपको, CH3CH, C डबल बॉन्ड OH, तो यहां भी 3 होगा आंसर और यहां भी होगा आंसर, तो आंसर इसका 4 होगा। वही टेक्निक यहां पे यूज करना है बेटा, ठीक है ना, यस ठीक है बेटा, चलो गुड। तो आंसर इज क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, 4, सी इज द राइट आंसर, 4, सी इज द राइट आंसर, 4, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, यस वंस बेटा मैं देखता हूं, वंस बेटा मैं देख रहा हूं उसका, ठीक क्यों दे रहा है बेटा, 10 क्यों दे रहा है उसका, जो है चेक करता हूं मैं, वाई 10, क्योंकि आठ नौ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 194 हो गया, देन गो फॉर 196। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, बेटा ढूंढो क्या एक कायरल सेंटर है क्या, ओ नहीं है, क्या एक कायरल सेंटर है, नहीं है, क्या एक कायरल सेंटर है, नहीं है, ये तो नहीं है क्योंकि ये और इसे होगा, क्या एक कायरल सेंटर है, क्या एक कायरल सेंटर है, क्या ए और ए डिफरेंट है, बट ए और ए क्या हो गया, सेम हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ए और ए सेम हो गया, तो नहीं है यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो आंसर इज 0, सिंस इट हैज नो कायरल सेंटर देयर फोर आंसर विल बी 0। देखो तो क्या आंसर दिया है, यस देखो बेटा क्या, जीरो ही है सर।
क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है ना यार, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कोई ना कोई ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, कोई ना कोई ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, तो नहीं है इसे। अच्छा 195 मैंने छोड़ दिया, ओके ठीक है बेटा 195 देख लो। यस यस बेटा 195 देख लो। ए मिक्सचर ऑफ ऑल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्टेड टू फंक्शनल डिस्टिलेशन देन हाउ मेनी फंक्शनल बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे एडवांस 3 times पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, मतलब इस नहीं इसी टाइप से 3 times जे एडवांस पूछ चुका है, ठीक है। तो बेटा जब सीएल जुड़ेगा तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा बेटा देख लो भाई, सिंस जे एडवांस ज्यादा पूछा है तो मैं इसको अलग लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा सीएल यहां जुड़ सकता है, सीएल यहां जुड़ सकता है, सीएल यहां जुड़ सकता है, ए और ए सेम है, ए और ए सेम है, ए और ए सेम, 3 जुड़ सकता है। इसमें कायरल सेंटर कहां कहां बन रहा है, ए बन रहा है कायरल सेंटर, ए बन रहा है यहाँ पे, देखो कायरल सेंटर, ए कायरल सेंटर नहीं है। तो जब भी कायरल सेंटर बनेगा तो वहां पे कंपाउंड एक नहीं बनेगा, दो बनेगा। तो यहाँ पे कंपाउंड 1 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, क्या 2 बनेगा बेटा, आर एंड एस, यहां भी 2 बनेगा, क्या बनेगा, आर एंड एस। तो बेटा तो यहां पे बनेगा आर एन एस, यहाँ पे आर एन एस, एक बार आर रहेगा बेटा, जहां भी 2 लिख रहा हूं तो एक बार आर बनेगा, उसका मिरर में जो एक बार एस बनेगा। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो याद करो पढ़ा होगा आप क्लास में, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आर और एस को एक काउंट करता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा आर और एस होगा जिसको बोलते हैं इनैंसियोमर्स पेयर, तो इनैंसियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उस दोनों को एक ही समझेगा, जब एफडी करोगे ना तो एक ही समझेगा। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने है, 5 है, लेकिन जब इसको एफडी करोगे, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपको मिलेगा कितना, 1, 2 and 3, 3 डिफरेंट मिलेगा आपको, 5 डिफरेंट नहीं मिलेगा। जे एडवांस इसका पूछा हुआ है, जे एडवांस इसका पूछा हुआ बेटा, इसका जब मोनोक्लोरेशन करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है जो है, जब यहाँ पे देखो कैसे कम लिखा हुआ है, आई एक और है 1, 2, 3, 4 मतलब आइसोपेंटेन पे जब क्लोनेशन कराओगे तो बिफोर फ्रैक्शनल 6 होता है, आफ्टर फ्रैक्शनल 1, 2, 3, 4 मिलता है, बिफोर 6 होता है, आफ्टर 4 होता है, 3 times पूछा है इस क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3, बी इज द राइट आंसर। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे ना तो जो इनैंसियोमर्स होता है वो बेटा काउंट नहीं होता है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, दोनों का फ्रीजिंग क्या होता है, 197 एट नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ 197 की बात करेंगे बेटा, तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एक्स एंड वाई, बोलो बेटा क्या टॉटोमर्स है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यार, क्लियर दिख रहा है यार, ये रेजोनेंस कैसे है, क्या चेंज हुआ है, हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हुआ है बेटा, ऐसे होगा ये ना यार, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, देखो फिर बेटा ए अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ए ऐसे आएगा, तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या हो गया, टॉटोमर्स है ना यार, क्लियर। देखो फंक्शनल तो बोलेंगे नहीं, टॉटोमर्स इज नॉट फंक्शनल, रेजोनेंस तो है नहीं, पोजिशन है नहीं बेटा, तो है क्या, टॉटोमर्स। देखो ना जब भी डबल बॉन्ड का पोजिशन इधर उधर चेंज हो तो समझ आना कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो टॉटोमर्स, ये तो यार क्लास में कराया होगा, ये क्लास में कराया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 198, नॉट 198, 201, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड आर पॉसिबल। अब यार टार्टरिक एसिड क्या होता है यार, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड, टार्टरिक सिट्रिक टार्टरिक, टार्टरिक एसिड कुछ ऐसा होता है, OH, H, H, OH, अब नाम पता नहीं है तो नहीं होगा, नाम पे बेस्ड है बेटा, दिस इज टार्टरिक एसिड। कितने ऑप्टिकली एक्टिव बेटा, हाउ मेनी ऑप्टिकल सेंटर, ये देखो यही है ना यार, 2 ऑप्टिकल सेंटर और सिमेट्री है, तो क्या होता है, 2k power n minus 1 plus 2k power n by 2 minus 1, that is 2k power 2 minus 1 plus 2k power 2 by 2 minus 1, 2k power 1 plus 2k power 0,
ए रहा है, तो ए हो जाएगा टू, ए होगा ऑप्टिकली एक्टिव और ए होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो टोटल कितने बनेंगे, थ्री बनेंगे। ऐसे दो कायरल सेंटर से फोर बनना चाहिए, बट सिंस सिमेट्रिकल हो गया तो टोटल थ्री बनेगा, जिसमें दो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, टू होगा बेटा और एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। नंबर ऑफ ऑप्टिकली बेटा ए 202 रिपीट नहीं हो गया क्वेश्चन बेटा, ये 200 टी तो मैं अभी किया था ना यार, ऐसे कैसे रिपीट हो गया 202? देखो तो 196 और 202 सेम नहीं है? यस, तो 202 तो सेम है, कर लिया हमने। आंसर क्या होगा? जीरो, आंसर होगा जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पेयर। देखो ये क्या बेटा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है? तो ये है क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट किया, देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट किया है, ये सेम साइड है, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड से अगर रोटेट करोगे तो क्या बोलते हैं उसको? देखो यहाँ इसको रोटेट कर दो तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो आप कंफर्म बोल सकते हो ना, कंफर्म है सिंगल बॉन्ड से रोटेट करना है। ये क्या किया बेटा, ये क्या किया, देखो देखो ना, ध्यान रखना, ये क्या है, इसके अबाउट क्या है बेटा, एक ट्रांस है, जो बता सेंटर है ना, ट्रांस है, अभी भी क्या है, ट्रांस है। तो कंफर्मर होने के लिए ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ट्रांस है दोनों, तो कंफर्मर हो गया। देखो ना, ऐसे रोटेट किया, ऐसे और ऐसे, इसके बाद रोटेट किया, इसके और इसके बाद रोटेट किया, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड रोटेशन है। ये क्या किया बेटा, एक ट्रांस है और सीस हो गया, देख रहे हो, एक ट्रांस है और सीस है, देखो एक ग्रुप और एक ग्रुप अपोजिट साइड है कि नहीं, ये देखो यहां से कंपेयर करो, और यहाँ क्या है, दोनों सेम साइड है, तो एक ट्रांस और सीस हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। ये देखो यहाँ पे ये सीस है और यहां भी ये सीस है, ठीक है, बट क्या किया बेटा, यहाँ पे इसके अबाउट रोटेट किया है, किया है क्या, तो रोटेट किया क्या कुछ, सीस है, सीस है, दोनों सेम साइड है, कंफर्मर बोल सकते हो, क्योंकि कुछ तो कुछ रोटेशन हुआ है ना, इसके अबाउट बोला जा सकता है कंफर्मर, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए बी सी से सीस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कंफर्मर है, ज्योमेट्रिकल है और कंफर्मर, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान नहीं रखना था कि आपको सीस ट्रांस चेक करने आ रहा है कि नहीं, बस यही देख रहा था। तो ये बताइए, देखो ट्रांस है, ट्रांस है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता है, यहाँ सीस है और ट्रांस हो गया, ट्रांस है और सीस हो गया, तो यस ज्योमेट्रिकल हो गया, ये सीस है, सीस है, बीच वाला जो सेंटर है ना, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, साइड वाला जो सेंटर है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, तो उसको कहीं भी घुमा लो तो क्या होगा, कंफर्म होगा। नेक्स्ट 205, 205 देख रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 205, यस, मतलब फाइनली उन्होंने आइसोमेरिज्म और जीओसी कर लिया, जो हम लोगों ने इतने महीनों में पढ़ाया है। 204 भी ठीक है बेटा, 204 भी, मतलब 4 महीने पढ़ा है हमने जीओसी और आइसोमेरिज्म, फाइनली उसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब इस वीक में आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म भी कर देंगे बेटा, 204 मतलब एमटी से पहले कर दूंगा। नंबर ऑफ डाइस्टोमर्स पॉसिबल फॉर, कितने का डाइस्टोमर्स बेटा, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर तो है नहीं, कोई का ऑप्टिकल सेंटर, देखो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, यस, देखो बेटा दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, कैसे यहाँ पे एच होगा, टेक्निक सीखो बेटा, यहाँ पे CH3, इस डबल बॉन्ड को इसको मान सकते हो डबल बॉन्ड की तरह, मान सकते हो, रियल में नहीं है बट मान सकते हो, तो क्या बन जाएगा, एक रिंग डबल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड पहले से है और CH3, तो बेटा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है, इवन नंबर डबल बॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर होता है, याद करो, तो एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, इस रिंग को डबल बॉन्ड की तरह समझा जा सकता है, ऑप्टिकल सेंटर है, और एक ही ऑप्टिकल सेंटर है, तो क्या होगा इसके,
दो बनेंगे ना इसके स्ट्रक्चर्स, दो बनेंगे और इनेंसियोमर्स बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बेटा, एक सेंटर 2 के पावर 1, इसके दो बनेंगे और क्या होंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज। जब ही बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा पेयर में होगा तो इसके एक ही ऑप्टिकली कंपाउंड बनेगा, तो दोनों पेयर बनेंगे तो डायस्टिमर्स क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो डायस्टिमर्स नहीं बनेंगे इसके डायस्टिमर्स। डायस्टिमर्स होने के लिए मोर देन 2 होना जरूरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो, या सिस ट्रांस होगा तो हो सकता है, तो यहाँ सिस ट्रांस नहीं है। अगर ये ज्योमेटिकल सेंटर होता तो आप बोल सकते थे कि दो डायस्टिमर्स होगा, बट यहाँ नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5, 2004 अच्छा क्वेश्चन था बट ठीक है। डायस्टिमर्स होने के बेटा क्या जरूरी है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना, इनेंसियोमर्स पेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर एक ही एक पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया, दो अगर ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया, तो दोनों क्या होगा, इनेंसियोमर्स पेयर हो जाएगा बेटा, तो डायस्टिमर्स नहीं हो सकता है। 205 नंबर ऑफ एनसीयूमर्स, नंबर ऑफ डायस्टिमर्स, देख रहे हो बी आर दिस दिस को, ये एक कार्ल सेंटर है, एक कार्ल सेंटर है, कितने हो गया, दो कार्ल सेंटर है और सिमेट्रिकल है बेटा, दो कार्ल सेंटर है सिमेट्रिकल, फॉर्मूला क्या है, ये है बेटा 2 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 2 बाई 2 माइनस 1, दैट इज 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1, सॉरी 2 के पावर 0, तो ए मिलेगा 2 प्लस ए मिलेगा 1, ए मिलेगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ए मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए पेयर में होगा बेटा, तो यहां से 1 काउंट करोगे, यहां से 1 काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, डायस्टियो सॉरी इनेंसियोमर्स चाहिए, तो इनेंसियोमर्स यही तो होंगे, देखो ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनेंसियोमर्स, ठीक है इनेंसियोमर्स बेटा, ठीक है, और इनेंसियोमर्स क्या होगा हमेशा बेटा, पेयर में होगा कि अकेला होगा, बोलो बेटा, नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स CH3CH2BrBrH, ठीक, अच्छा सिमेट्री है तो एक्टिव कैसे होगा, ओ बेटा मैं टोटल निकाल दिया टोटल नंबर ऑफ, देखो नंबर पूछ रहा है ना, एक कंपाउंड दे रहा है, इसमें नंबर पूछ रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक कंपाउंड, बट बोल रहा है नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो CH3, ठीक है, देखो ये मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, कैसे बेटा, तो अगर एक कंपाउंड में दे रहा है तो नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पेयर होगा, इनेंसियोमर्स ऐसा पेयर में होता है, तो 1 पेयर हो जाएगा इसका, तो इनेंसियोमर्स की बात करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स हो जाएगा और 1 पेयर ऑफ डायस्टिमर्स हो जाएगा इसके लिए, और इसकी बात कर रहा है बेटा इसमें नंबर ऑफ डायस्टिमर्स, सिंस बेटा इसमें 1 कार्ल सेंटर, देखो एक कार्ल सेंटर है ही नहीं, 1 कार्ल सेंटर है और 1 कार्ल सेंटर है, तो बेटा 2 बनेगा, दोनों का दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो डायस्टिमर्स हो ही नहीं सकता है, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें बेटा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज एक ही कार्ल सेंटर है और एक कार्ल सेंटर है, तो डायस्टिमर्स इसमें नहीं बन सकता है अगर एक कार्ल सेंटर है, तो क्योंकि हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो डायस्टिमर 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 0 हो गया, और एक नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स कितना बेटा बोलो, 1 इनेंसियोमर्स है, इनेंसियोमर्स हमेशा पेयर को बोलते हैं, तो 2 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 हो गया, एक्स प्लस 1, तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। हाँ बेटा जब नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स पर बोल रहा है ना, इस कंपाउंड की बात कर रहा है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर इसकी बात करोगे बेटा ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि सिमेट्री है इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 क्या बोलोगे, 0, ठीक है बेटा, अगर इस कंपाउंड की बात करोगे, अगर तुम इस कंपाउंड की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनेंसियोमर्स क्या बेटा बोलो, एक जब भी हम देखो जब भी इनेंसियोमर्स डायस्टिमर्स बात करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, सिर्फ एक कंपाउंड को देखकर नहीं बोला जाता, एक कंपाउंड को देखकर नहीं बोला जाता, ठीक है ना, तो अगर इस कंपाउंड को सिर्फ इसकी बात करोगे, दिया हुआ स्ट्रक्चर, तो बेटा इनेंसियोमर्स है ही नहीं, तो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो अगर इसलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा रॉन्ग है, तो नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स बेटा जब हम बात करेंगे तो सारे पॉसिबिलिटी देखते हैं,
क्योंकि एनएनसीओएमएस किससे कंपेयर करते हैं बेटा, तो यहाँ किससे कंपेयर करते, कोई है ही नहीं। तो टोटल बेटा क्या होगा, दो कायरल सेंटर है तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2^2-1, दैट इज ए बेटा एनएनसीओएमएस बनेगा और ए बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वन पेयर ऑफ एनएनसीओएमएस और वन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहाँ पे टू बन जाएगा डायस्ट्यूमर्स, डायस्ट्यूमर्स यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो बेटा आप ए इसके लिए बात कर रहे हैं, ए इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा फ्रेमिंग गलत है। तो अगर आंसर में आने की कोशिश करोगे तो सिंस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये जीरो है, और यहाँ तो जीरो आ ही रहा है बेटा, तो जीरो जीरो बुड्ढी बोल दो। बट अगर रियल यहाँ बोला जाए बेटा तो यहाँ पे आना चाहिए, इसकी वैल्यू वन आनी चाहिए एनएनसीओएमएस पेयर की, एनएनसीओएमएस की, और यहाँ जीरो, तो आंसर शुड बी ए, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस, जब एग्जाम पूछेगा तो क्लियर पूछेगा बेटा, ठीक है ना, एग्जाम पूछेगा तो क्लियर बोलेगा, क्लियर नहीं है बेटा इस पे तो देख लो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर आइसोमेरिज्म। नाउ बच्चे विल डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म इन, देखता हूं मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का मैं होमवर्क देता हूँ, क्या करोगे तुम लोग जो है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, SN1 SN2 करेंगे हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट्स, ठीक है। सो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू।